हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास है हैवेल्स की 1 HP MX1 मोनोब्लॉक वाटर पंप। इसमें हमें 1 ईयर की डोर स्टेप सर्विस मिल जाती है और ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ आता है। देखिए, इस पंप को खरीदने का मेन रीज़न है इसमें लगे SS शाफ्ट और ब्रास इंपेलर, जो इस मोटर को लॉन्ग लाइफ देते हैं, जो कि इससे 1500 रुपीज़ सस्ती MP1 सीरीज़ में नहीं दिए गए हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको कॉपर वाइंडिंग दी गई है। तो यहाँ पर हमें सेल्फ प्रिमिंग अप टू 8 मीटर दी गई है। सेल्फ प्रिमिंग का मतलब होता है कि अपने आप एयर को रिमूव करेगा अप टू 8 मीटर ऑफ डेप्थ। तो यहाँ पर ये आपको 50 फीट की गहराई तक पानी खींच के दे सकती है। तो बॉक्स के अंदर हमें ये फ़िल्टर मिल जाता है, जो कि कुरियर में टूट चुका है। काफ़ी लोगों की ये समस्या आ रही है। तो ये फ़िल्टर का यूज़ हम पाइप के छोर पे लगा के कर सकते हैं। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसे साइड में रखते हैं और मोटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रही मोटर। मोटर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देखिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। यहाँ इस मोटर का टोटल वेट 10 kg है और ये 25 mm की पाइप इस मोटर में आप फिट कर सकते हो। कुछ सावधानियां लिखी गई है और ये 2800 RPM की स्पीड के साथ आती है। ये इसका फ़ैन है, वो प्लास्टिक का बना हुआ है और इसका जो कवर है ब्लैक कलर का आप देख पा रहे होगे, वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। और यहाँ पे 3 वायर मिल जाते हैं अर्थिंग के साथ। और इसकी असेंबली काफ़ी अच्छी की गई है। अमेजोन के इंस्ट्रक्शन पे लिखा हुआ था यहाँ पे 1 मीटर का कॉर्ड मिलेगा बॉक्स में, पर ऐसा कुछ मिला नहीं है। यहाँ पर इसके कैपेसिटर वगैरह लगे हुए होंगे। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है और जैसा कि मैंने बताया, ये प्लास्टिक का है। ये मोटर काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की है और ये 0.75 kW की कैपेसिटी के साथ आती है। मतलब कि अगर आप रोज़ 1 घंटा 30 डेज़ तक इसका यूज़ करोगे तो करीबन 150 रुपये तक का ही बिल आपका आएगा बिजली का। तो मोटर काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो ये इसका आउटलेट है, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो देखिए, अंदर ये रबर की पैकेजिंग की गई है, इसे आपको तोड़ना होगा यूज़ करने से पहले। और ये इसका इनलेट है, इसे भी खोल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्प्रिंग जैसा लगा हुआ है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरे पास जो मोटर थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है और इसकी आवाज़ काफ़ी कम है। ये म्यूनसिपैलिटी के साथ इसका कनेक्शन किया है मैंने। और ये देखिए, ऊपर टंकी लगी हुई है, उसमें कुछ इस तरीके से इसका फ्लो आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।